तो क्या हाल चाल है दोस्तों, आ गए एक और नई कमाल की पबजी मोबाइल की 4 टॉप ग्लिच के साथ वापस। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि पबजी मोबाइल का जो न्यू अपडेट है उसमें 4 ऐसे न्यू ग्लिचेस आए हैं जिनके बारे में आपको शायद ही पता हो। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो पहली ग्लिच काम करती है ये मिलिट्री बेस के पीछे जो ये जगह पे गुफा टाइप का आपको मिलेगा, और ये जो पेड़ है तो सिंपली यहाँ पे आप एक दो बार हिलना और बूम गाइस आप पानी में आ जाओगे। तो इस ट्रिक से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी होगा और अपने दोस्तों को आप दिखा भी सकते हो, तो गजब की ट्रिक है। तो ज़्यादा नहीं, जहाँ पे देखो जहाँ मैं मार्क किया हूँ तो वहाँ पे आपको सिंपली वहाँ पे जाना और थोड़ा पीछे होना है। तो बूम गाइस पीछे आ जाओगे और पीछे आने के बाद यहाँ से ना आप डायरेक्टली अंदर भी जा सकते हो। मान लो कि आपकी कहीं फ़ाइट हो रही है और फाइट के दौरान वहाँ पे स्मोक काफ़ी सारा हो रखा है, तो आप थोड़ा पानी में तैर के पीछे के साइड आ सकते हो और बूम गाइस यहाँ पे अंदर आ जाओगे डायरेक्टली। और एक फ़ायदा और भी है इसमें इस ग्लिच से, तो आप एक बार अंदर जाना और इसके बाद धीरे धीरे अगर आपका लास्ट जोन बनता है, जैसे कि आपको पता है कि 2.0 में काफ़ी ज़्यादा मतलब अजीब तरह से ही जोन बन रहा है, तो आप इजीली यहाँ से ऊपर का जो भी ऊपर के जितने भी एनिमी होंगे तो आप इजीली उनको देख लोगे और यहाँ पे ना ही आपको कोई देख पाएगा और मार पाएगा। तो अगर आपका वो जो हेल्थ होता है, हेल्थ जब जाता है सांस फूलने की वजह से, तो सिंपली आपको थोड़ा ऊपर टैप करना है जो आपका ऑप्शन है, उसके बाद आपको सारे चीज़ देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप सारे बंदे को एक्सपोर्ट कर सकते हो। और एक ट्रिक ये भी है कि अगर आप नीचे हो और एनिमी आपके ऊपर है तो सिंपली आपको थोड़ा पीछे जाना है और बूम गाइस सीधे ऊपर आ जाओगे। तो ये दूसरी ग्लिच यहाँ पे शेल्टर की साइड काम करती है और ये गड्ढा दिख रहा है। इससे पहले मैं बता दूँ कि यहाँ पे एक पैर मतलब ट्री टाइप का है और सामने जो ग्रीन हाउस है वहाँ पे, यहाँ पे 3 गुफा है, तो आप कन्फ्यूज मत होना, सीधे यहाँ पे आना और यहाँ पे आने के बाद हल्का सा बैठ जाना, तो बूम गाइस आप नीचे इजीली आके बैठ जाओगे। और आप इस ट्रिक को बस फन के लिए कर सकते हो, अगर एक बार आप इसके अंदर आ गए तो फंस जाओगे, या तो आप रैंक पुश करोगे जो भी सीजन आने वाला है, तो यहाँ पे आके बैठ सकते हो। यहाँ से आपको कोई ना देख पाएगा ना मार पाएगा। तो जैसे कि आप मिनी मैप में देख रहे हो यहाँ पे एक एनिमी है और मुझे ही ढूंढ रहा है, तो खैर वो मुझे ना देख पाएगा ना मार पाएगा। इसमें बस मुझे एक ही चीज़ गलत लगी, मतलब गलत क्या ही बोलूँ, अगर आप एक बार इसमें आ जाओगे तो आपका मैच भी ख़राब हो सकता है, आप यहाँ से बाहर नहीं जाओगे। तो जस्ट ये फ़न के लिए ट्रिक है। तो यहाँ पे आने के बाद आप इजीली यहाँ पे इमोट वगैरह करके अपने दोस्तों को दिखा सकते हो और व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह लगा सकते हो। और इसमें इस ग्लिच का उतना कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, बस ये एक फ़न के लिए। तो जो भी आएगा तो थोड़ा ध्यान दे के आना कि आपका मैच ख़राब ना हो। तो इसमें आने के बाद यही दिक्कत है कि आप यहाँ पे आने के बाद निकल नहीं सकते हो, तो मस्त यहाँ पे फ़न करो बस। उसके बाद अगर किसी को रैंक पुश करना है या तो अगर जोन बनता है इस साइड, तो आप इजीली अंदर आके कैंप कर सकते हो। और अगर लास्ट मतलब लास्ट सर्कल भी बनता है तो आप यहाँ पे अंदर रह के हील बैटल कर सकते हो। तो उसके बाद चलते तीसरी ट्रिक की ओर। और तीसरी ट्रिक वर्क करती है ट्रेनिंग मोड में, तो ट्रेनिंग मोड चलते स्टार्ट करते पहले। तो ट्रेनिंग में आने के बाद आपको कोई भी व्हीकल ले लेना और इस जहाँ जिस लोकेशन पे मैं आया हूँ उस लोकेशन पे आना आपको, और ज़रूरी नहीं कि बग्गी लेना है, मैं बग्गी लिया तो आप कोई सा भी ले सकते हो व्हीकल। और उसके बाद यहाँ पे सिंपली उतरना है और जो वाटर आपको दिख रहा है और वाटर में जो भी वाइट लाइन है, तो सिंपली आपको उसी वाइट लाइन में पहले उतरना है। तो यहाँ से आप हल्का सा वो नीचे के साइड जाओगे तो आप सीधे चले जाओगे, और वाटर में आने के बाद आपको ये जो ब्लैक लाइन टाइप का जो दिख रहा है तो आपको उसमें जाना है। और इसमें जाने के बाद आपको एक ग्लिच वर्क करेगी, तो बूम गाइस जैसे ही हम ब्लैक वाले लाइन पर जाओगे आप तो सीधे ऊपर की ओर आ जाओगे। तो जैसे पहले हैकर किया करते थे, अब हम करेंगे। तो हैकर आजकल कम हो रहे हैं, तो भाई पबजी मोबाइल के भी अलग ही नशे हो गए। तो खैर इस पे आके एक फन ट्रिक कर सकते हो आप, अपने आप व्हाट्सअप स्टेटस लगा सकते हो, अपने
दोस्तों को दिखा सकते हो। और ऊपर आने के बाद ये नहीं है कि चल नहीं पाओगे, तो यहाँ पे आने के बाद आप चल भी सकते हो। और अगर आप गन लेके आओगे, तो मैं गन लेके आया नहीं हूँ, तो यहाँ आप अगर जाना तो गन लेके जाना, यहाँ से फायर भी कर सकते हो। तो एकदम ऑसम ट्रिक है यार। तो इन सब को ढूंढने के लिए यार बहुत मेहनत लगता है, तो थोड़ा चैनल को सपोर्ट करो। और जो भी नया है चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन टैप करो और अपने दोस्तों में भी शेयर करो। तो यहाँ पे आने के बाद यार काफ़ी अच्छा नज़ारा दिखता है। यहाँ से आपको पूरा का पूरा नीचे का जितना भी सीन होगा तो आपको देखने को मिल जाएगा। अब साथ ही चलते हैं कि अपने चौथे ट्रिक की ओर। तो चौथा ट्रिक वर्क करता है शूटिंग रेंज के साइड। तो शूटिंग रेंज के पास आओगे आप, तो ऐसा आपको गुफा टाइप का जो मिलता है देखने को, तो वो देखने को मिलेगा। और अंदर आते गाइस ये देखो, पबजी वालों ने भी ये अपडेट गांजा फूक के लाया था, तो इन्होंने यहाँ पे दरवाज़ा ही डालना छोड़ दिया। और यहाँ पे भी आपको एक फ़ायदा होगा, अगर आप शूटिंग रेंज आते हो और आप अकेले आते हो, या तो आपका स्क्वाड मर जाता है, तो आप गुफा में कैंप कर सकते हो। अगर आपके पास स्क्वाड आए तो ईज़िली आप इस साइड से निकल के यहाँ पे जो भी गेट पे अगर बंदे कैंप कर रहे हो तो उन्हें मार सकते हो, या तो यहाँ से भाग भी सकते हो। तो एक बार हम और ट्रिक करके देखते हैं। तो यहाँ से निकलने के बाद ईज़िली आप वाटर में चले जाओगे और यहाँ पे कोई दिक्कत भी नहीं होगा, आप सीधे ऊपर आ जाओगे। तो शेल्टर में तो थोड़ा दिक्कत था कि एक बार जाने के बाद आप आ नहीं सकते हो, तो यहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो यार वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर देना ऐसी और कमाल की वीडियो देखने के लिए। जब तक के लिए बाय।